हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में संतूर का वो पहला क्लासिकल कॉन्सर्ट था, इस वजह से याद है। और ईश्वर की कृपा से मैं चूंकि चाइल्ड प्रोडिजी था, जैसे बताया जाता है, तो वो हार्डली उस वक्त में लगभग 5 साल का था जब वो प्रोग्राम मेरा, बहुत ज़्यादा देर का तो था नहीं, 5-6 मिनट का ही था, कश्मीर के एक, उस वक्त एक ही ऑडिटोरियम था वहाँ, तब तक जो एक और बड़ा वाला ऑडिटोरियम है टैगोर हॉल वो बना नहीं था, तो ये नीडोज होटल एक जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ का ऑडिटोरियम था। और मेरे फादर का जो एक इंस्टीट्यूट था, संगीत महाविद्यालय, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के कल्चर और हिस्ट्री में, तो वो उनका फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में मुझे प्रेजेंट किया गया था, 1953 ईयर था। और उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर तो थे ही थे, पंडित शमशाद चंद सोपोरी साहब, और सबकी दुआएं थी, तो मैं बजाया, एक नई वेव क्रिएट हो गई कि अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक संतूर पर। तो इमीडिएटली रेडियो कश्मीर श्रीनगर एक वाहिद इदारा था उस वक्त, मीडिया तो वैसे ही, रेडियो तो उस वक्त तो बहुत ही पॉपुलर था, तो उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया 1954 में। उसके बाद फिर स्टेट ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, जब भी उनके फंक्शंस होते थे, जो भी आते थे, VIPs आते थे, तो बख्शी साहब की हुकूमत थी तो कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर उन्होंने दिया, और जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं बजाता था फिर, या जैसे क्लासिकल म्यूजिशंस आते थे, अमीर खान साहब आए थे, उस्ताद अमीर खान साहब थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब थे, और इसी तरह से बहुत सारे जो लेजेंडरीज रहे हैं हकीकतन, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया से अपना नाम नहीं कमाया, गुनों से नाम कमाया, डोल पीटने से नहीं, तालीम से, कसब से, रियाजत से, साधना से, और देन जो उनकी देन है, तो वो वही लोग थे। उनके रिसाइटल के से पहले मेरा प्रोग्राम रखा जाता था। मुझे याद है कि उस्ताद अमीनुद्दीन खान, नसीर अमीनुद्दीन खान डागर साहब जो पहले वहाँ आए थे, उनका रिसाइटल था, तो मेरा भी प्रोग्राम रखा गया था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, वो अब वो 5 मिनट तक महदूद नहीं था, बल्कि वो टाइम गैप बढ़ गया था, तो सभी देखते थे कि भाई संतूर जैसे साज पर क्लासिकल कैसे आ रहा है। हमारे घराने का साज तो था ही था, मैं तो 8वीं पीढ़ी संतूर घराने का ही था, और इस कंट्री में ये साज तो हमारे घराने से है, और सूफियाना घराना है। और उसके बाद फिर 1959 में इलाहाबाद में फंक्शन हुआ, वो उस वक्त इलाहाबाद बहुत बड़ा कल्चरल सीट था, प्रयाग संगीत समिति का 6-7 दिन का प्रोग्राम होता था, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक की बहुत ही बड़ी फैकल्टी थी, बाकी एक से एक बढ़कर प्रोफेसर सर म्यूजिकोलॉजिस्ट वहाँ थे, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम हो गया। मेरे फादर मेरे साथ थे, 1959 ईयर था, तो पहले उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इस पर कैसे आता है, तो सबको बड़ा अच्छा लगा था, वाह कि भाई और बच्चा बजा रहा है, तो लोगों ने बड़ा सराहा इस चीज़ को, और इनिशियली बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई, लेकिन साथ में ये भी था कि ये साज की रीच कहाँ तक है, जहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत का ताल्लुक है। साउंड तो बड़ी अच्छी होती है, वाइब्रोफोन जैसा इंस्ट्रूमेंट तो सेलेशियल साउंड लेके चलता है वो, पर उसमें रागदारी तो होती नहीं है, या छोटा सा फ्लूट हो वो सुनने में अच्छा लगता है, पर उसमें राग का क्रिएशन नहीं हो पाता, बड़ा बनाना ही पड़ा था। पन्नालाल गोविंद साहब का मुझे याद है कि जिस वक्त वो साधते थे, तो कितना, जो इस वक्त बहुत मेजर फ्लूट कहलाता है, जो ख्याल अंग की गाई के लिए हुए है, तो उस पर उन्होंने किया और कैसे करना पड़ा। तो इसी तरह एक रिक्वायरमेंट होती है कि साज क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या वो टेक्निकल न्यांसेस डिपिक्ट करता है जो शास्त्रीय संगीत की रिक्वायरमेंट है, तो ये सवाल फिर शुरू हो गए। पहले पहले तो ठीक ही था कि भाई बहुत अच्छा लगता है और ये सब वो सब चेंज ओवर के लिए, तो फिर उसके लिए फिर बाकी काम शुरू हो गया। तो मुझे इस वजह याद है कि जहाँ से ये मेरी शुरुआत हुई थी, तो ये वो ईयर था।